अहमद, जो दो मैचेस हैं पर्थ में यहीं पर हो रहे हैं, अब आप जो कहते चले आए कि चार फास्ट बॉलर, आप समझते हैं कि आप खिलाएंगे? और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था लोगों की ओपिनियन कि सबने यही कहा कि अगर आसिफ अली कुछ नहीं कर रहा और उसकी बैटिंग भी आखिर में आ रही है तो एक आप ऐसा बॉलर डाल दें जो आखिर में कुछ छक्के वक्के लगा सके। नहीं, आप हैदर अली को देखें ना, आसिफ अली को तो फिर चले एंड में यू नीड हिम कि अच्छा एक बंदा आ गया और वो दो तीन चार छक्के मार दे। आप हैदर अली को कंसिस्टेंटली थ्रू आउट देखे आए कि उसको प्रॉपर चांसेस मिल रहे हैं, और यही होता है मेरे ख्याल से, इंसान जब थोड़ा देखता नहीं है कि ब्रीड किस ब्रीड का प्लेयर आया तो फिर वो एक आधी इनिंग पे जब आप लोगों को लेके आते हैं और इतना बैक करते हैं तो वो मोर ऑफन देन नॉट दे विल डिसअपॉइंट यू। मेरे ख्याल से हैदर अली की जगह आप लेके आइए मोहम्मद वसीम को, जो कि बैटिंग भी कर सकते हैं और यहाँ पे पर्थ में आपका बॉल चढ़ के देगा, और बाकी इंशाल्लाह ताला यू गाइस डूइंग वेल। द ओनली थिंग वी नीड टू वरी अबाउट इज दैट यहाँ बारिशें हो रही हैं, पहला मैच हम हार चुके हैं, तो हमें मेक श्योर करना है कि हमें एक तो मैच जीतना है और हमें मैच के अंदर अपनी अच्छी क्रिकेट से, चाहे वो बॉलिंग हो या बैटिंग हो, इस पोजीशन में आना है कि हम अथॉरिटी के साथ वो जीत सकें जिसमें हम रन रेट भी अच्छा कर सकें। पहले नॉर्मल जाना है लेकिन अपनी अच्छी क्रिकेट से, अपने तजर्बे से मैच को उस सिचुएशन में लेके आना है कि जहाँ पर हम अपने रन रेट को बेहतर कर सकें।